तो भाई स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ म्यूजियम पटाया। तो भाई अभी हॉस्टल में जो एंट्री का सीन था ना, वो वही है कि यार 2 बजे का चेक इन टाइम है, तो 2 बजे ही होगा चेक इन। तो इसीलिए जो है मैं वहाँ से जो है निकल के आ गया, और फिर मैं आ गया यहाँ पर अपना सेंचुरी ऑफ ट्रूथ म्यूजियम में। यहाँ पर मैं आया हूँ बाइक टैक्सी से, और मुझे अपने हॉस्टल जो कि सेंटर पटाया में है, तो वहाँ से यहाँ तक आने में लगा 15 से 20 मिनट लगे मेरे को। और फेयर जो लगा वो लगा 50 बात, बाइक टैक्सी से आया था मैं। तो अभी चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सेंचुरी ऑफ ट्रूथ म्यूजियम। दिख रही है वहाँ पर एंट्रेंस, चलते हैं अंदर। अभी जो मेरा टूर है वो है 10:10 का, और अभी टूर स्टार्ट होने में लगभग 15 मिनट है। भाई मतलब एक बार तो बिल्कुल आने लायक जगह है ये, बहुत ही गजब है यार। ये मेरे पीछे सेंचुरी ऑफ ट्रूथ का वो वुडन टेंपल। तो भाई अभी जो है ना हेलमेट पहना दिया है ये, क्योंकि अंदर जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, और कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही जो है हम लोग अंदर म्यूजियम को विज़िट करते हैं। तो इस जगह पर सारा वुड का काम होता है, जहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं या फिर वुड के ब्लॉक्स हैं वो सब इसी जगह पर बनाए जाते हैं। और ये बिल्कुल जो मेन टेंपल है उसके बिल्कुल पास में है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, और यहाँ पर सारा काम होता है। उसके बाद में जब ये ब्लॉक्स और मूर्तियाँ रेडी हो जाती हैं, तो ले जा कर के इनको टेंपल के अंदर या म्यूज़ियम के अंदर असेंबल कर दिया जाता है। तो भाई ये जो पूरा टेंपल बनाया गया है ना, ये एंटायरली वुड से ही बनाया गया है, और इस टेंपल के अंदर एक भी कील नहीं लगाई गई, यानी कि कोई भी मेटल का यूज़ ही नहीं किया है। और ये एक फैक्ट है इस टेंपल के बारे में। तो ये अंदर का नज़ारा है इस टेंपल के, और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। और इस टेंपल के अंदर जितनी भी ये वुडन स्ट्रक्चर में काट करके जो पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, उनके ज़रिए से 7 ट्रुथ्स ऑफ लाइफ जो है हमें बताए गए हैं। और टूर के टाइम पर आपका जो टूर गाइड होता है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है उन 7 ट्रुथ्स के बारे में, और क्या क्या चीज़ें हैं इस टेंपल के अंदर उसके बारे में। तो उन 7 ट्रुथ्स के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ। तो इसमें से आप जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हो क्या 7 ट्रुथ्स ऑफ लाइफ जो है हमें बताए गए थे, और बाकी थोड़ी बहुत और भी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इसमें से पढ़ सकते हो। तो अभी मैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ से बाहर ही आया था, और ये जो बराबर में यहाँ पे जो ये रेस्टोरेंट्स आए यहीं आके बैठ गया था, और यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है एक मैंगो स्मूदी। कुछ इस नज़ारे के साथ में यहाँ पर ये स्मूदी पी रहा हूँ मैं।
बाकी अभी यहाँ पे खाने का तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि सभी कुछ जो है वो नॉन वेज है और मेरे को चाहिए वेजिटेरियन खाना। वेजिटेरियन के अलावा मैं एग खा लेता हूँ, तो एग की भी एक दो चीज़ें हैं, बट अभी मन नहीं कर रहा तो इसलिए मैंने खा ली ये मैंगो स्मूदी ले ली। बाकी वापस जो है पटाया सेंटर जाके, जहाँ अपने इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह हैं खूब सारे, वहाँ पर जाके कुछ खाऊँगा खाना। तो अब मैं आप लोगों को एक बार अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ। इसका नाम था हैप्पी हॉस्टल, जहाँ पर मैं रुका था पताया में, और ये है इस हॉस्टल का कॉमन एरिया जहाँ पर सब बैठ के अपना बातचीत करते हैं। और इस कॉमन एरिया के बिल्कुल बैक साइड में है ये पूल साइड, जहाँ पर स्विमिंग पूल है। बाकी एक छोटा सा किचन टाइप का एरिया है, यहाँ पर आप चाहो तो अपना कुछ खाना पीना बना सकते हो। तो भाई अभी मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी एकदम, और अपने रूम में आ गया था मैं लगभग 3 बजे करीब। और ये मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ, एक बार रूम टूर दे देता हूँ। तो ये देखो भाई, ये है एंट्रेंस रूम की, और फिर यहाँ पर जो है ये एक बेड है, ये सिंगल पर्सन के लिए ही रूम है ये वाला। और ये बाथरूम है, अभी दिखाऊँगा इसे। यहाँ पर एक लॉकर दे रखा है, एसी लग रहा है, टीवी है और एक फ्रिज भी है, और एक चेयर पड़ी है। उसके अलावा फिर ये एक वॉशरूम है। कुछ ऐसा जो है ये वॉशरूम दे रखा है। तो ओवरऑल जो रूम है वो काफी बढ़िया है। और आज के लिए मैंने ये रूम बुक किया था क्योंकि मेरी फ्लाइट जैसे कि रात की थी, तो मैं जब से सोया ही नहीं हूँ, और अब जो है अगले दिन की भी शाम हो चुकी है, लगभग 3:30 बज रहे हैं शाम के। और रात को अब जब सोऊंगा तो भाई अच्छी नींद आनी चाहिए ना। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, हॉस्टल में भी ऐसे नींद आ जाती है, ऐसे कोई बात नहीं है, बट फिर भी मैंने पहले दिन के लिए ले लिया था प्राइवेट रूम। तो ये ऐसा एक प्राइवेट रूम है, और ये इसकी जो कॉस्ट पड़ी है मेरे को वो एक दिन की पड़ी है 1100 रुपये, 1100 इंडियन रुपीस में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इंडिया से ही बुक कर लिया था अपना ये हॉस्टल का प्राइवेट रूम। तो हॉस्टल ही है ये, और हॉस्टल में प्राइवेट रूम्स भी होते हैं, तो ये प्राइवेट रूम है सिंगल बेड वाला। मैं ज़रा बाहर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ अपने रूम का। मेरा रूम है ये यार 5th फ्लोर पे है, और ये यहाँ पीछे से व्यू है हॉस्टल के। अभी जो है ना, पहले तो मैं सोच रहा था दोपहर में भी आकर के आराम कर लूंगा, बट अभी ही दोपहर के 3:30 जैसा कि मैंने बताया बच चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। फिर भी जो है मैं 2 घंटा जो है आराम कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं 5:30 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, और फिर चलेंगे पताया बीच पर। और पताया बीच से ही वहाँ से फिर अपना वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह पे भी मैं चला जाऊँगा 7-7:30 बजे, और फिर अपना वापस आते टाइम किसी इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर करके वापस हॉस्टल आ जाऊँगा, और यही रहेगा बस पताया में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा पताया की नाइट लाइफ और पताया की वॉकिंग स्ट्रीट।